अमेजिंग फैंटेसी 15 ये वही कॉमिक थी जहां से स्पाइडरमैन ने अपने जर्नी को स्टार्ट किया था। एंड इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये वही कॉमिक थी जहां अंकल बेन पहली बार मरे थे एंड पीटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा था। आज इस कॉमिक को रिलीज हुए 60 साल हो चुके हैं एंड इन 60 सालों में हर एक दिन स्पाइडरमैन ने किसी न किसी की मदद की है। एंड वो ऐसा सिर्फ इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा करना पसंद है, बल्कि वो इसीलिए करता है क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पता है, स्पाइडरमैन की जगह कोई भी सुपर हीरो नहीं ले सकता क्योंकि एक लौता ऐसा सुपर हीरो है जिसका ध्यान बड़े बड़े विलन से लेके छोटे से छोटे क्रिमिनल तक पे होता है। एंड यही चीज स्पाइडरमैन को यूनिक बनाती है। एंड आज की ये स्टोरी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स को कवर करती है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये स्टोरी न्यूयॉर्क सिटी से स्टार्ट होती है जहाँ ट्यूसडे का दिन है एंड कुछ बड़े फ्रॉस्ट जायंट्स ने सिटी पे अटैक कर दिया है। एंड यही वो मोमेंट था जहाँ हम इस स्टोरी के मेन विलन से भी मिलते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चोरी कर रहा है एंड ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये सिटी में कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने का वेट करता है ताकि सारे सुपर हीरोज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएं एंड ये आराम से चोरी कर पाए। वो अपने क्रोबार की मदद से एक दरवाजे को तोड़ता है एंड वो बताता है कि ये चोरी करने के बाद उसे कई सालों तक पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ये चोरी करते हुए वो कम्प्लीटली सेफ था क्योंकि सारे सुपर हीरोज उन बड़े फ्रॉस्ट जायंट्स को हराने में बिजी थे एक्सेप्ट एक के, जो था फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को देखते ही वो बंदा भागने लगता है एंड वो स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उन बड़े मॉन्स्टर से लड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए स्पाइडरमैन उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, क्या मार्केट में कोई सेल लगी हुई है। एंड ये कहने के जस्ट बाद स्पाइडरमैन अपने वेब की मदद से उस बंदे को मुंह के बल गिरा देता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि स्पाइडरमैन इस बंदे को कई सालों से पकड़ रहा था एंड कई सालों से मेरा मतलब है कई साल। स्पाइडरमैन ने इस बंदे को हर उस टाइम पे पकड़ा है जब न्यूयॉर्क सिटी में कुछ बड़ा हो रहा था एंड तुम इस पैनल में क्लियरली इस बंदे की एज बढ़ते हुए देख सकते हो। इसके बाद स्पाइडरमैन उस बंदे को उल्टा लटका देता है एंड उससे कहता है कि मुझे तुम्हें पकड़ना बहुत अच्छा लगता है एंड इतने सालों में हम दोनों ने कई सारे ग्रेट मोमेंट्स को एक साथ जिया है। स्पाइडरमैन के इस बिहेवियर को देखते हुए वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद हम 4 से 5 साल बाद का सिनेरियो देखते हैं। एक और ट्यूसडे एंड एक और बार सारे एवेंजर्स किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। एवेंजर्स को बिजी देख फ्रैंकी फिर से चोरी करने जा रहा है एंड इस बार उसके पास एक प्लान भी है। थोड़ी ही देर में एज यूजुअल स्पाइडरमैन एक और बार फ्रैंकी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, बट इससे पहले कि वो कोई भी अटैक करता, फ्रैंकी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए स्पाइडरमैन को एक ट्रैप में फंसा देता है। एंड हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में फ्रैंकी ने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए थे जो एक साथ मिलकर स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करते हैं, बट इस बार स्पाइडरमैन ऑफेंड हो जाता है। वो उन सबसे कहता है कि शायद तुम सबको पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। एंड ये कहने की जस्ट बाद स्पाइडरमैन उस रस्सी को तोड़ता है एंड कुछ ही सेकंड्स में फ्रैंकी के दोस्तों की हालत खराब कर देता है। एंड जब ये सब करने के बाद वो फ्रैंकी से बात करने जाता है, तब फ्रैंकी बहुत ही गुस्से में स्पाइडरमैन से कहता है, तुम क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन भी थोड़ा शांत हो जाता है, बट वो फ्रैंकी से कहता है कि कोई भी क्राइम छोटा या बड़ा नहीं होता, एक छोटे से छोटा क्राइम भी किसी के लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एंड जब वो फ्रैंकी को ये बातें बता रहा होता है, हम कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं जहां स्पाइडरमैन हर उस खराब मोमेंट को याद करता है जो उन क्राइम्स के वजह से हुए थे जिन्हें स्पाइडरमैन रोक नहीं पाया था। वो उस दिन को भी याद करता है जब उसने एक क्रिमिनल को भागने दिया था एंड आगे चल के उसी क्रिमिनल ने अंकल बेन को मार दिया था। एंड स्पाइडरमैन नहीं चाहता कि फ्रैंकी की वजह से किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो, इसी वजह से वो फ्रैंकी से कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी में चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर बार तुम्हें पकड़ने आऊंगा क्योंकि मेरे लिए तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो। एंड ये कहने के जस्ट बाद वो फ्रैंकी को उल्टा लटकाता है एंड वहां से चला जाता है। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।